हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, हाउ हैज नगरोनो कारबाख स्टैंड ऑफ एंडेड। तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की बात है, तो देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रीजन बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान? व्हाई डिड हंड्रेड्स ऑफ लोकल अर्मेनियन फ्ली द एरिया? व्हाट हैज बीन टर्कीज रोल इन द रीजन? तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका लोकेशन पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका अर्मेनिया हो गया, ठीक है। आप देखिए, ये वाला पार्ट आपका अर्मेनिया का है, ये वाला पार्ट आपके अजरबैजान है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टेरिटरी ऑफ अजरबैजान अंडर रशियन, ठीक है, पीस कीपर। टेरिटरी ऑफ अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय अर्मेनियन, टेरिटरी ऑफ अर्मेनिया ऑक्यूपाइड बाय अजरबैजान। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जैसा आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बार कंप्लीट पिक्चर बता दूं, ये मेन रीज़न है। आप देखिए, ये अर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, दोनों के बीच में नगरो कारबाख रीजन है। ये अर्मेनिया यहाँ पर है, यहाँ पे अजरबैजान, और ये दोनों अजरबैजान है, उसके बीच में अर्मेनिया अलग है। तो ये अर्मेनिया है, उसके इधर भी अजरबैजान, इधर भी अजरबैजान, और ये वाला जो एरिया है वो नगरो कारबाख है। और नीचे में यहाँ पे ईरान है, ऊपर में रशिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है, ठीक है। और आप अगर देख रहे हैं, अर्मेनिया ये रहा, अजरबैजान ये रहा, नगरो कारबाख ये रहा, ईरान ये रहा, टर्की ये रहा। तो टर्की इस तरफ है, ईरान इधर है, रशिया इधर है, और ये कैस्पियन सी की बॉर्डर है। तो ये थोड़ा सा बस आपको मैपिंग परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑन सेप्टेम्बर 20, अजरबैजान क्लेम्ड फुल कंट्रोल ओवर द कंटेशियस नगरो कारबाख रीजन आफ्टर लोकल फोर्सेस मोस्टली अर्मेनियंस एग्रीड टू डिसआर्म एंड डिसबैंड। हंड्रेड ऑफ लोकल अर्मेनियन फ्लीड द एरिया ओवरनाइट फियरिंग एथनिक क्लेंजिंग बाय अजरबैजान। वाइल द डिस्प्यूट रीजन इज होम टू मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ एथनिक अर्मेनियन एंड अजेरी माइनॉरिटी, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान। अब मतलब कहने का बात है, इस रीजन में आप देखिए मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है अर्मेनिया के लोगों की, ठीक है, अर्मेनिया के। पर माइनॉरिटी किसकी है, माइनॉरिटी है अजरबैजान के लोगों की, पर फिर भी वो इंटरनेशनली उसको माना जाता है कि ये जो है आपका अजरबैजान का है। व्हाट हैपेंड, अ फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस ब्रोक आउट इन सेप्टेम्बर व्हेन अजरबैजान लॉन्च्ड एन अटैक अगेंस्ट द एथनिक अर्मेनियन फोर्सेस इन नगरो कारबाख। तो अजरबैजान के तरफ से अटैक हुआ था। द फाइटिंग लास्टेड वन डे एंड द सीज फायर वॉज अनाउंस्ड अ डे लेटर। इन ए स्टेटमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर सेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन स्पोक विद द अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल एंड एक्सप्रेस डीप कंसर्न फॉर द एथनिक अर्मेनियन पॉपुलेशन इन द डिस्प्यूट रीजन। तो यूएसए फिर आप समझ रहे हो आग लगाने की तैयारी में, तो उन्होंने अर्मेनिया के प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से बात करी और अपना कंसर्न दिखाया। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अब देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। नेगरो कारबाख इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अजरबैजान, इट इज इन द साउथ कॉकेसस रीजन बिटवीन द ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, स्पेनिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉकेसस माउंटेन दैट रफली इंक्लूड्स मॉडर्न डे अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। जैसे मैंने आप लोगों को अभी फोटो में दिखाया था, इमेज में, इधर अर्मेनिया है, इधर अजरबैजान है, बीच में वही रीजन है, और इधर जॉर्जिया, इधर टर्की, नीचे में ईरान, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अजेरीज एंड अर्मेनियंस गोज बैक अ सेंचुरी। तो ये 100 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। व्हेन द ऑटोमन अटैक द साउथ कोकेकस रीजन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन विद द हेल्प ऑफ अजेरीज, द टारगेटेड एथनिक अर्मेनियन ड्यूरिंग द अटैक एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया descended into a full blown war in 1920. This war incorporated the region into Azerbaijan Democratic Republic. Soon after, both countries became part of the Soviet Republic and Nagorno-Karabakh was made an autonomous oblast administrative region in Azerbaijan territory. तो उस समय इसको अजरबैजान की टेरिटरी में दे दिया गया था। When the Soviet Union disintegrated in 1991, full scale fighting again broke out between countries as Armenians rebels डिक्लेयर नगरो कारबाख एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो वहाँ पे मेजोरिटी में अर्मेनियंस रह रहे थे, उन्होंने वहाँ पे रिबेल किया और बोला कि हमें ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी चाहिए। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसएसआर का, मानी जो आपका पहले रशिया था,
1991 में, ठीक है, द वॉर लास्टेड टिल 1994, तो 3 साल चला एंड किल्ड अराउंड 30,000 पीपल। इन 1994 अजरबैजान एंड आर्मेनिया एंटर्ड अ सीज फायर ब्रोकर्ड बाय रशिया। तो रशिया देखिए वहाँ पे भले डिसइंटीग्रेट हो गया था, पर उसने अपना काम अच्छे से किया, बोला कि भाई सीज फायर करो, दोनों के बीच में आग ना लगाते हुए काम करवाया। बट इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर द कंट्रीज वर नॉट डिमार्केटेड। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बताया गया। अ 4 डे वॉर अगेन ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज इन 2016 विथ नो रेजोल्यूशन बींग अराइव्ड एट। तो 4 दिन का फिर से वॉर हो गया 2016 में। यहाँ पे रशिया उन लोगों को सीज फायर करवा दिया था, पर कोई बाउंड्री नहीं थी, जब बाउंड्री नहीं थी तो लड़ाई तो होगी। व्हाट हैपेंड इन 2020? इन 2020 अजरबैजान प्रेसिडेंट अलीयेव लॉन्च ऑफेंसिव टू टेक नगरो कारबाक बैक। इन्होंने बोला हमें नगरो कारबाक वापस चाहिए। लीडिंग द कंट्री टू अ फियर्स वॉर विद आर्मेनिया दैट लास्टेड 6 वीक्स एंड किल्ड मोर देन 2,000 पीपल। तो 6 हफ्ते तक ये वॉर चला और 2,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए। द अजेरी फोर्सेस अटैक्ट आर्मेनियन डिफेंस एंड टुक बैक 40% ऑफ नगरो कारबाक। तो यहाँ पे 40% अजेरी ने, मतलब अजरबैजान वालों ने ले लिया था। अजरबैजान वॉज बैक्ड बाय टर्की। वहाँ पे टर्की अजरबैजान को हेल्प कर रहा था। तो आप देखिए टर्की इस तरफ था, आर्मेनिया इधर था और अजरबैजान इधर, तो ये इसको हेल्प कर रहा था, ठीक है। वाइल द आर्मेनियंस अलाय रशिया डिड लिटिल टू सपोर्ट आर्मेनिया। और ऊपर में जो रशिया है वो कम ही सपोर्ट किया जो आर्मेनिया का लाया था। इट हेल्प ब्रोकर अ सीज फायर। हाउएवर डिस्पाइट द सीज फायर अजरबैजान डिड नॉट गिव अप अटेम्प्ट टू कैप्चर नगरो कारबाक। इन दिसंबर 2022 इट ब्लॉकेड लाचिन कॉरिडोर द मेन रोड कनेक्टिंग नगरो कारबाक टू आर्मेनिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एडिंग टू इकोनॉमिक मिजरी ऑफ द रीजन। द रोड वॉज ब्लॉक्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो उन्होंने भी ये चीज कर दिया कि इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखा के रोड ही ब्लॉक कर दिया जो आपके नगरो कारबाक को कनेक्ट करता था पूरे वर्ल्ड से, ये आर्मेनियंस ने किया। हाउ डिज अजरबैजान कैप्चर द एरिया? एक्सपर्ट बिलीव दैट टर्की हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द नगरो कारबाक रीजन। टर्की हाउएवर डिनाइड एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन अजरबैजान ऑफेंसिव, रियूटर रिपोर्टेड, ऑल्दो इट इज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्टर अजरबैजान। तो टर्की यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है किसको? अजरबैजान को। रशिया इज ओड टू इट्स वॉर इन यूक्रेन। रशिया नहीं हेल्प कर पा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन में बिजी है। एज रिटेलिएशन फॉर रशियाज लैक ऑफ हेल्प ओवर द लास्ट फ्यू ईयर आर्मेनिया वोटेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC डिस्पाइट रशियाज वार्निंग। तो रशिया मना कर रहा था उसको ज्वाइन करने से, पर आर्मेनिया ने ज्वाइन किया क्योंकि रशिया उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो उनको कोई ना कोई अलाय चाहिए था, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपना कर लिया डिस्पाइट वार्निंग ऑफ रशिया, ठीक है। द ICC हैज इशूड अ वारंट अरेस्ट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन। तो ये वही ICC है जिसने बोला है कि अगर प्रेसिडेंट दिखे व्लादिमिर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ओवर 1 लाख एथनिक आर्मेनियंस फ्रॉम नगरो कारबाक हैव टू फ्ली टू आर्मेनिया इन लास्ट 1 वीक। द WHO एस्टिमेट्स द एक्सोडस हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब चलिए देखते हैं हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए ये रीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखिए, ये आर्मेनिया हो गया, ये बीच में नगरो कारबाक हो गया, ये अजरबैजान हो गया, आधा अजरबैजान इधर है, यहाँ पे आपका टर्की हो गया, यहाँ पे आपका ईरान हो गया, ठीक है, ये अजीज हो गया आपके, ये आर्मेनिया हो गया, यहाँ पे ऊपर में आपका जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे ऊपर में आपका रशिया हो गया, तो यहाँ पे आपका कैस्पियन सी हो गया। तो ये लोकेशन हमें पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। अब टर्की किसको हेल्प कर रहा था? अजरबैजान वालों को, इधर को। ये इसके अलाय थे आर्मेनिया के, ये रहा आर्मेनिया, इसके अलाय कौन थे? रशिया था। अब देखिए हुआ क्या, जब ओटोमन्स ने वहाँ पे, ओटोमन्स की जब लड़ाई हुई थी 100 साल पहले, तो इस एरिया को यहाँ पे उस समय से ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट में है। पर जब USSR बना था, ये एरिया USSR के अंडर हो गया था, सबसे पहले ओटोमन्स, ठीक है। आप देखिए हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स में है, ये है सेंचुरी बैक, ओटोमन्स के टाइम की बात हो रही है,
ऑटोमेंस अटैक द साउथ कॉकेसस ड्यूरिंग अ वर्ल्ड वॉर वन हेल्प्ड अजीज टू टारगेट। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेंस जो है इन्होंने अजरबैजान को दिया, अजीज को वो एरिया दे दिया, कौन सा, एनएनके नगरो कारबाग। ठीक है, दूसरा जब यूएसएसआर था तो उसने क्या किया, नगरो कारबाग को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ठीक है, ऑटोनोमस बना दिया। थर्ड, जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये एरिया आपका किसी के अंडर नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई इन दोनों के बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई इस एरिया को लेकर के। जब इस एरिया को लेकर के स्टार्ट हो गई तो इसने, आप देखिए, 1994 में सीज फायर करवाया, किसने करवाया, रशिया ने। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर पहले था, अभी रशिया है, रशिया ने करवाया। अब उसी के बाद आप देखिए 2016 में लड़ाई हुई, 2020 में लड़ाई हुई, टर्की हेल्प किसको कर रहा था, अजीज को। बस इतनी सी बात है, जिसके वजह से अब इधर में है तो वो इधर से कुछ अटैक कर रहा होगा या इनको सपोर्ट कर रहा होगा, तो वहाँ पे वो थोड़े से बैकफुट पे आ रहे थे। और जब रशिया की हेल्प चाहिए थी, रशिया किसका एलाई था, अर्मेनिया का। अब रशिया की हेल्प अर्मेनिया को चाहिए थी, पर रशिया अपने कहाँ था, बिजी था किसमें, कॉन्फ्लिक्ट विथ यूक्रेन। तो इसने क्या किया, आईसीसी ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल आपका जो कोर्ट है जिसने आपको बोल दिया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने रशिया के प्रेसिडेंट को वारंट दे दिया है कि अगर इस कंट्री, जिस भी कंट्री का आईसीसी का मेंबर है उसमें जाओगे तो आपको वो कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो थोड़े से यहाँ पे आर्मेनिया आप देखिए बैकफुट पे आ रहा है, तो वहाँ से इतने लोग आप देखिए एथनिक आर्मेनियंस जो है वापस आर्मेनिया शिफ्ट हो चुके हैं। ये एक आपका मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट्स। तो बस इतनी ये हिस्ट्री थी, ये करंट है, ये आपका क्या हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन कैसे क्राइसिस है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।